अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शोकड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शाबिस। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं कुछ टीजर्स के ऊपर। वेरी गुड। इट्स अ पाकिस्तानी ड्रामा, पाकिस्तान का ही ड्रामा है, ड्रामा होता है जिसका नाम है आज तक तो हमने इंडियन का ड्रामा कोई हमने किया नहीं, किया नहीं और करेंगे भी नहीं। नहीं करेंगे यार, अच्छे इंडिया के भी अच्छे आएंगे तो हमारे करेंगे, बट मतलब करेंगे, बट अच्छे हैं, बट हमारे पास अभी कंटेंट, हम लोगों का प्लान अभी है नहीं इंडिया में जाने का। ओके, सो व्यूज नहीं मिलते इसीलिए यार। Nobody is bothered to know how we react to Indian thing. Indians are not. Reaction is basically they want to see how other countries people react to हमारे इसमें। तो they feel like ये इंडिया वाले अगर रिएक्शन देखना है तो मैं अपने बगल के घर के सुनील भाई को बुला के मैं दिखा लूँ वीडियो के, रिएक्ट करो भाई इसका क्यों देखिए ना इसको। बट आई थिंक इंडिया में भी एक दो तरीके का है, लाइक साउथ एक नॉर्थ। साउथ इंडियन प्रिफर्स टू वॉच द नॉर्थ इंडियन का रिएक्शन फॉर साउथ स्टफ, बिकॉज साउथ स्टफ का जो है अभी तक अभी बन रहा है नाम उतना, पहले उतना नहीं था, तो पहले चलता था, अभी थोड़ा यू नो अभी पैन इंडिया का ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। सो बेसिकली हम लोग आज रिएक्ट करने वाले हैं बादशाह और बादशाह बेगम ड्रामा के टीजर्स के ऊपर। चार टीजर्स हैं इसमें, लीड एक्टर लीड में है जारा, नूर अब्बासी, फरहान सईद, यासिर हुसैन। दे आर लॉट ऑफ यासिर हुसैन इज आई थिंक हमारे इकरा अजीज के हस्बैंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इफ यू आर रॉन्ग देन देयर इज प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। भाई मैंने नाम पढ़ा था, कुछ फेंक के मारेंगे यहां लगेगा। मैंने नाम पढ़ा था इकरा अजीज के हस्बैंड का नाम यासिर हुसैन ही है शायद, तो वही होंगे। सो इसके चार टीजर्स हैं आई थिंक। आप उनके घर में लड़ाई लगाओगे अभी, आप माजर डिस्क्लेमर डालो। हाँ। अगर हैं तो हैं, अगर नहीं है तो माफी माफी, कमेंट में गाली मत दो। हाँ। सो चार टीजर्स हैं, पहला टीजर हम लोग रिएक्ट करेंगे, बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है मुझे थंबनेल तो। हाँ यार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। लेट स्टार्ट। हेलो कोलाबा पुलिस स्टेशन, बोला। मैं कोलाबा के लिटिल डॉट्स प्लेन। इज्जत को हमेशा औरत से ही मंसूब किया जाता है और कुर्बानी भी हमेशा औरत को ही देनी पड़ती है। शायद इसीलिए इस गद्दी को भी सिर्फ औरत की ही जरूरत है। ड्रामा सीरियल बेसिकली मुझे इस ड्रामा के बारे में पता नहीं था। आज मैंने एक ट्विटर में हम टीवी के पेज में फरहान सईद का एक लुक देखा था। आई थिंक स्पीर शहजे शहजेब कुछ वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वहां पर इसने मुझे अटेंशन ग्रैब किया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टीजर टू। बादशाह बेगम बनके तुम वो तमाम चीजें हासिल कर सकती हो जिसकी तुम्हें तमन्ना है। कैसे काम है तुम जो कभी छोड़ते हो। ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम, वुमेन पावर। आई वॉज बादशाह बेगम सुनने के बाद टाइटल, आई वॉज थिंकिंग इट विल बी समथिंग अबाउट द बादशाह एंड बेगम, बट यहाँ पर पता चल रहा है कि इट्स बेगम एंड बेगम, इट्स अ बेगम बेगम एंड बेगम, बट गद्दी के हिसाब से इट्स बादशाह बेगम। टीजर थ्री। हाँ, प्री वेडिंग। जिसको ढूंढ रहा था वो तो यही मिल गई। आपके बाबा से मैं बात कर लूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम जा क्यों नहीं रहे अब? हाँ चलोगी तो जाऊंगा ना, क्या किसी से मोहब्बत करना गुनाह है? तुम्हारे लिए नहीं है मगर मेरे लिए है। नबू की हवेली की पाक बेटियां मुकद्दस मानी जाती हैं, उनकी शादी नहीं। ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम जल्द। नेक्स्ट ना, वेरी आजकल के जो होते हैं ना टीजर्स, वेरी थॉटफुल होते हैं। थॉटफुल जितना दिखाना है कितना दिखाना है, हर एक सेकेंड को यूटिलाइज करना। Yeah. मैं क्यूरियोसिटी क्रिएट करना वो। सो टीज़र फोर। पीरमपुर का हर फुट हवेली का गुलाम है सर। तुम अगर मेरी बातों से चिढ़ना बंद करो ना तो हम मिलके क्या क्या कर सकते हैं। अब हमें कुछ करना होगा, सुन मैं ये।
जुल्म को अपनी तकदीर में समझ लेते हैं। जब तक आपका साया मेरे सर पर है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम। Unfortunately, we didn't see any glimpse of Farhan Saeed. अच्छा है क्या इसमें Farhan Saeed? ओके ओके क्या खा क्या हुआ भाई? I missed it in the beginning. थोड़ी देर लास्ट वीडियो में आतिफ असलम को भूल गए थे, हाँ. अभी Farhan Saeed को भूल गए. Happens. The visuals are so stunning. Then I just forget. Four teasers are very good, yeah. Very cleverly edited. Very good. And I think very good concept. ये बेगम का जो concept है ये इंडिया में बहुत दिनों से बहुत सालों से चलता आ रहा है. बेगम का, या अगर बेगम की जो तहजीब की अगर इसकी कल्चर की बात करें तो लखनऊ और इंदौर और पे बेस्ड, और हैदराबाद पे तो नहीं, लखनऊ एंड इंदौर बेस्ड पे, लखनऊ यहाँ पे बहुत ऐसे सीरियल्स बने हैं बेगम बोल के, जहाँ पे एक विमेन होती है जिसके हाथ में बहुत पावर होता है एंड शी इज़ बेसिकली प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करती हैं, जो कि नए ज़माने में भी वो अपनी जो नवाबियत जो क़ायम कर रही हैं, इट्स विमेन हु इज़ होल्डिंग द पावर एंड देन व्हाट हैपेंस, व्हाट ट्रांसपायर्स when a woman gets power, what happens and how she handles things and how trying to see the things of rule from a women's perspective, yahan pe bhi India mein bahut bane hain lekin lagta nahi ki wo success pa ho paye utne us had tak, kariye bol gaya yahan pe kahin na kahin deviate ho jate the wo aise dusre issues mein, iska lagta hai ki kuch hard hitting hai aisa kuch aise lag raha hai aisa. Yeah. I think women empowerment to nahi but it's ये वुमेन को लेके यू नो आज तक आई थिंक पाकिस्तान में आजकल बहुत ऐसा स्टफ दिखाई देखने को मिल रहा है. आई थिंक सिन्फे आहान में भी हमने वही देखा था, वही था. आई डोंट नो, हमें हिस्ट्री नहीं पता पाकिस्तानी ड्रामा की, सो हमें पता नहीं कि पहले बने या नहीं बने. क्या है ना कि 80% ऑफ द कंटेंट व्हिच इज मेड इन द वर्ल्ड आर बेसिकली थॉट रिटन फ्रॉम अ मैंस पर्सपेक्टिव. लाइक हमने हमेशा देखा है हीरो मतलब हीरो, हीरोइन मतलब हीरोइन, ऐसा होता है. हीरो मतलब व्हाट यू इमेजिन, हीरो मतलब व्हाट हीरोइन मतलब व्हाट यू इमेजिन. तो ऐसे लड़कियों की कहानी अब तो व्हाट हैपेंस के जो भी हमने डेटा कंटेंट देखा है हमने आज तक लाइफ में वो बहुत मेल इसमें होता है ना प्रोटैगनिस्ट, उसमें क्या होता है कि मेल पर्सपेक्टिव से दुनिया होती है सब कुछ के कैसा होता है, उसका गुस्सा कैसे बदला लेता है अपनी माँ का. ऐसा नहीं कि जो माँ एक बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे का बदला लेते हुए हमने देखा नहीं, ऐसे बहुत रेयर देखा है हमने, वो भी लाइफ में पॉसिबल है. हाँ पॉसिबल है बट वो यू नो मैंने एक रिसेंटली एक कमेंट देखा था वन ऑफ द ड्रामा के ओएसटी के ऊपर, आई थिंक बहुत टाइम पहले, कि हर ड्रामा में ये लव स्टोरी का एंगल, लव स्टोरी वगैरह 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 लाना जरूरी है क्या? वी हैव टू इम्प्रूव समथिंग एंड ऑल दो स्टफ. एक पाकिस्तानी ही ने कमेंट मारा था, मैंने देखा था, बट व्हाट आई थिंक इसकी रिसेंट टाइम ने हमने जितने भी ड्रामास के ऊपर रिएक्शन दिया है दे हैव वेरी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल्सो इन पाकिस्तानी इंडस्ट्री. जैसे कि ये हो गया या फिर सिन्फे आन हो गया या फिर संगे माँ हो गया, यू नो देयर बी लव स्टोरी, लव स्टोरी होना वगैरह वगैरह एक कॉमन बात है, बट उसके अलावा भी यू नो चीज़ों को, मुद्दों को, यू नो एक रेवोल्यूशन या फिर एक प्रॉब्लम्स को बहुत दिखाया गया है. जैसे कि हमने वो और एक देखा था यार, कोई वो ट्रांसजेंडर का एक ड्रामा था. देयर लॉट ऑफ ड्रामाज हम लोगों ने देखे हैं बट आई डोंट नो व्हाई दो दैट गाय हैव फेल्ट. उसके बाद मैंने सोचा भी इस बारे में बट यू नो कभी बात करने का मौका नहीं मिला उसके बारे में. बट रिसेंटली हम टाइम में जितने भी हम लोगों ने ड्रामास देखे हैं अदर देन लव स्टोरी हमने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी देखे हैं यू नो पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में. एंड आई थिंक इट्स टाइम टू पीपल टू यू नो चेंज दैट थॉट के सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामास यू नो लव स्टोरी को ही प्रेजेंट नहीं करते और लव स्टोरी को ही नहीं लाते, दे हैव अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. एग्जैक्टली, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट. या देयर विल रोमांस एंड लव स्टोरीज आई थिंक रेशियो में ज्यादा है, दे आर मोर, बट आई थिंक उसके अलावा और रिसेंट टाइम में जो भी ड्रामास चले हैं आई थिंक वो ड्रामास हटके ही थे. जैसे कि परिजात हो गया हमारा, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रामा मेरे पास तुम हो लव स्टोरी थी बट उसमें भी एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग था. यहाँ पर मर्द को धोखा देते हुए नहीं दिखाया गया था, मर्द को नहीं औरत को धोखा दिया, तो इट वाज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एक पछतावा एंड ऑल दो स्टफ. हे वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू जस्ट ऑफ टॉपिक, मेरे पास तुम हो का इंडियन वर्जन आया, तुमको पता है इंडियन वर्जन? देयर इज वन सीरियल रनिंग राइट नाउ इन सोनी टेलीविजन, इसका नाम है कामना. और वो कामना शो जो है वो इट्स एंटायरली बेस्ड ऑन मेरे साथ तुम हो, मेरे पास तुम हो. एग्जैक्टली, द अदर डे आई वाज वाचिंग दैट शो एंड लाइक एक शो देख रहा था मैं जहाँ पे क्या होता है कि जो जो है ना बंदा जो पैसा वाला बंदा होता है वो बंदा आता है बीवी को लेके जाने के लिए, इसकी जो बीवी है उसको लेके जाने के लिए आता है वो. तो व्हेन ही कम्स होम
मैंने बोला अरे मैंने कहीं देखा है यार, आई हैव सीन इट समथिंग, ये जो सीन मैंने कहीं देखी है, वो ऐसे डायलॉग मार रहा है वहाँ पे, वो अपनी बीवी रेडी हो रही है जाने के लिए साथ में उसके, ये पैसे वाला बंदा आया है एकदम गरीब सा बैठा है यहाँ पे, अच्छा होल शो आई थिंक अभी ड्रामास के भी रीमेक बनना शुरू हो गए एग्जैक्टली एंड लाइक वो उसमें बोलता है वो उसमें भी कुछ वैसे एकदम से इसमें जो दो कोड़ी का जो बोलता है ना वैसे वहाँ पे कुछ और बोलता है वो कुछ डिफरेंट बोलता है लेकिन वो भी हार्ड हिटिंग होता है वो और वहाँ पे जो डायलॉग के एक्सचेंज होते हैं वहाँ पे जो वो होता है जब तक वो अपना बैग लेके तब तक जो अपने बातचीत चलती है वहाँ पे कामना और इसमें मेरे पास तो बच्चे का एंगल था क्या कि बच्चा सेम एवरीथिंग इज सेम यहाँ पे बट I say powerful actors in India, Kamna mein. Amazing actors, they are doing really, really good. See, not everyone in India is interested to watch Pakistani shows, not because of some hatred or something like that, just because they are not exposed to it, just because yahan pe India mein aaj tak bhi bahut sare India ki 80% population tier 3 या tier 4 cities mein rehti hai aur gaon mein rehti hai. 80% India ke log gaon mein rehte hain. उन लोगों को पता भी नहीं होगा पता नहीं है उनको पाकिस्तान में ड्रामा हाँ, बनते हालांकि आप इंटरनेट आया हुआ है लेकिन 2 GB में क्या देख लेंगे वो 2 GB इंटरनेट 1 GB मिलता है यहाँ पे इंटरनेट उनको मुश्किल से खाना अभी इंटरनेट के जो प्राइसेस बढ़ गए हैं आजकल तो बहुत ज्यादा है देखने गए तो यार हमारे जो गांव के लोग हैं हम लोग रिसेंटली आई सॉ शार्क टैंक हाँ शार्क टैंक में कुछ ऐसे लोग आए थे जहां पर हम लोगों को एक्चुअली गांव की असलियत पता चली यू नो वी स्टे इन अ सिटी हम लोगों को पता ही नहीं कि गांव में कैसी जिंदगी होती है बट वो जब आके वो लोग जो एंटरप्रेन्योर्स जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमें ये तकलीफ है हम लोगों को ये उन लोगों को कुछ पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है एग्जैक्टली यू नो तब वो बिकॉज हम लोगों को आई थिंक हमारे बॉलीवुड फिल्म में या फिर इंडियन फिल्म में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाया भी नहीं जाता जहाँ पर एक्चुअली लोगों को पता है या नहीं यू नो दे आर सम फिल्म्स जहाँ पर हमको यू नो फार्मर किसान कॉन्सेप्ट दिखाए जाते हैं बट इट वॉज नॉट सो डिटेल्ड क्योंकि रियलिटी शोज में या फिर रियलिटी में पता चलती है सो आई थिंक बहुत सारी ऐसी इंडियन पॉपुलेशन है जिनको आई थिंक इंडिया के बारे में ही कुछ ज्यादा पता नहीं अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता नहीं पता नहीं होता तो वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री या फिर हॉलीवुड वगैरह तो भूल ही जाओ बट यस व्हाट दे हैव अ सैटेलाइट टेलीविजन हाँ सैटेलाइट टेलीविजन के पास इंडियन चैनल्स होते हैं इंडियन चैनल्स है यहाँ पे जो डिश टीवी वगैरह का जो आया वहाँ पे वो उनके पास है वहाँ पे अब ये लोग ये स्टोरीज देख रहे हैं अब उनको चाहे तो वो अडेप्टेशन ऐसा वैसा कर सकते हैं लेकिन दे हैव बीन अडेप्टेड इन अ रियली ग्रेट मैनर अमेजिंग एक्टर्स हैं उसके अडेप्टेड इन अ गुड वे देन इट्स कूल गुड इट्स वेरी गुड वे नो इफ यू वॉच इट आई विल टेल यू के जो एक्टर्स हैं हाँ सी ऑफ कोर्स रत्नान से दे आर अमेजिंग एंड जिसकी जो जिसकी लिखावट है जिसकी राइटिंग exactly, है उसमें exactly. वो लेजेंड है खमर साहब हाँ खमर साहब सो उनको यू नो इस इंडिया में अगर वो प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो इट्स ओके दिस इज नॉट द ओनली शो व्हिच हैज बीन रीमेड इन इंडिया द शो देयर वाज वन शो डॉक्टर का शो था मुझे याद नहीं आ रहा है वो कुछ आई डोंट नो एक गाना था उसमें सैया नैनो की भाषा समझे ना बोल के एक मोनिश बहल थे उसमें डॉक्टर थे उसमें उसने बेसिकली ना 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 उसके जैसा ही एक मोनिश बहल डॉक्टर थे उसमें इसमें क्या होता है कि एक मोनिश बहल एक 50 ईयर ओल्ड डॉक्टर एंड सर्जन है और इनकी एक इंटर्न है 22 ईयर्स ओल्ड की जो अभी भी MBBS कर रही है वो उनसे शी फॉल्स इन लव विद अ मैन हु इज 20 ईयर्स एल्डर देन हर एंड दैट्स द स्टोरी ओल्ड ड्रामा मेरे स्कूल के जमाने का इट्स संजीवनी ओनली नो नो नॉट संजीवनी इट्स अबाउट द हॉस्पिटल राइट यू नो इट्स अबाउट हॉस्पिटल बट अगेन मोनिश बहल का था उसमें और एक एक्ट्रेस है उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे एक और एक्ट्रेस है वो तीन एक्ट्रेस थे वहाँ पे उन्हें क्या होता है कि एक इट्स लव ट्रायंगल एक 45 ईयर ओल्ड 50 ईयर ओल्ड एक इंसान है उसकी ही हैज मतलब उसका देर इज वन गर्ल हु इज 40 ईयर ओल्ड जो कि उनसे मोहब्बत करती है एक देर इज वन गर्ल हु इज लाइक 22 ईयर्स ओल्ड तो दो लड़कियां यहाँ पे तो वो एक था वो भी एक्चुअली जो अडेप्टेशन ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा आ गया ऐसे बहुत सारे हैं बट मोनिश डिड अ वेरी ग्रेट जॉब इन दैट इंडियंस ने बहुत ये किया था कामना लोगों को बहुत लोगों को पता नहीं इंडिया में द थिंग इज कि पता नहीं विकिपीडिया में भी उतना एक सेटल्ड से एक इन्फॉर्मेशन छोड़ के दे दी कि मेरे पास तुम हो क्या इट्स लूजली बेस्ड ऑन दैट बोल के तो एक्चुअल ऑफिशियल रीमेक बोले कहीं पे लिखा नहीं है ऐसा उसको ब्रांड मार्केटिंग में की गई यू नो कॉन्सेप्ट उठाया गया है और आई डोंट थिंक कि जैसे कि मेरे पास तुम हो के 30 एपिसोड में जो ड्रामा फिनिश हुआ था यहाँ पर होगा 30 तो अभी तो 50 हो गए एक्चुअली यहाँ पे काम पे काम लगे यहाँ पे 1000 एपिसोड तो हाँ तो कर रहे हैं वहाँ पे मैं उस वो वाला शो क्या है बट यस जो शिद्दत जो है एक्टर्स आर ग्रेट दे आर डूइंग ग्रेटली लेकिन देखिए भी इंडिया की जो रिसीविबिलिटी जो रिसीव करने का जो तरीका है अलग है जो 80% ऑडियंस की थी उनको ऐसे 30 एपिसोड में नहीं होना उनको एक साल चलना है
they have good time. वो देखते हैं रोज बैठ के डेली सोप के अंदर. एग्जांपल ये भी बहुत ऑफ टॉपिक जा रहा है. मैंने रिसेंटली एक फिल्म देखी थी पाकिस्तान की, हमने रिएक्ट भी किया था उसके ऊपर, रूपोश. मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर हम लोग रिव्यू करें, अगर आप वो फिल्म अभी भी देख लोगे तब. रूपोश, सो बेसिकली मैंने ड्रामास देखे हैं पाकिस्तानी के. सो एक 30 एपिसोड या 35 एपिसोड के बीच में हम लोगों को कहानी बहुत ही यू नो तरीके से और यू नो अच्छे तरीके से समझाते हैं वो लोग, वो ये करते हैं. मैंने 2 घंटे की फिल्म देखी थी, वो इट्स अ लव स्टोरी. और वो 2 घंटे की फिल्म में मैं देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही अब्रप्ट थी, या फिर ये बहुत ही क्विक हो रहा था, अनयूजुअल हो रहा था, मतलब सही नहीं दिख रहा था मुझे कुछ भी. एंड आई थिंक इट्स बिकॉज मैंने कोई भी पाकिस्तानी टेलीफिल्म देखी नहीं है. सो आई डिडंट लाइक द फिल्म, सच बोल रहा हूँ. फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा है, एक्टर्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा है, बट कुछ जगह ऐसी थी ये क्यों हो रहा है, ये इसकी इसके ये होने की जरूरत क्या थी, ये बहुत जल्दी जा रहा है. सो आई फेल्ट लाइक दैट. उसके बाद मैंने कमेंट्स वगैरह देखे, उसके रिव्यूज देखे, तो वहाँ पर लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तानी लोग. सो आई जस्ट फेल्ट के आई थिंक हम लोग 30-35 एपिसोड के ड्रामास पाकिस्तान के देख के हमें वो आदत हो चुकी है. सो वहाँ पर वो पूरे तरीके से समझाते हैं जी, यहाँ पर उनको टाइम कम है तो वो लोग बहुत जल जल कर रहे हैं, जो कि मुझे समझ नहीं आया. आई थिंक वही होता है इंडियन कंटेंट, वहां पर 30 एपिसोड में बन के वो लोग दिखा देते हैं. यहाँ पर अगर वही 30 एपिसोड का कॉन्सेप्ट आ गया तो यहाँ पर लोगों को समझ नहीं आएगा. ऐसा लगेगा कि ये क्या बना दिया इन लोगों ने. नहीं, मैं कामना में भी क्या हुआ था ना, कामना में भी क्या हुआ कि जो द लव बिटवीन आकांक्षा एंड मिस्टर कपूर, जो कैरेक्टर यहाँ पे लड़का, जो कपूर इज द रिच गाय, आकांक्षा इज द गर्ल जो हु बेसिकली बिट्रेज. तो क्या होता है कि यहाँ पे इनका जो लव, जो हाउ ही टेक्स द स्टेप फॉरवर्ड, कि एक पे सबसे पहले तो अच्छा मेरे पास तो वही होता है कि एक ड्रामा वो ही एक प्ले होता है, उस प्ले के जरिए उसको लाता है, एंटाइस करता है कि तुम आ जाओ प्ले करो. ये अच्छा कुछ है क्या मेरे पास तुम्हों में? ऐसा नहीं है. उसमें इट्स अबाउट मनी. Like how do they meet? Like they meet from a mutual friend. Like एक जगह पे मिलते हैं. कुछ उनका ये होता है. इसमें क्या है कि जो मिस्टर कपूर हैं, ये मिस्टर कपूर बेसिकली एक उनको सबसे पहले she's a very उनको एक्ट्रेस बनना चाहिए, उनको बनना है उनको. वैसा इसमें नहीं है. एक्ट्रेस बनना चाहती है because of marriage and all that she could not become. बच्चा हो गया, बच्चा was 10 years old हो गया. अब अभी भी खूबसूरत है वो. तो now वो मिस्टर कपूर उनको लेके आते हैं अपने पास. और बिकॉज उनको 50 लाख रुपए देके बोलते हैं कि मेरा एक प्ले है तुम इसमें एक्ट करो, मैं 50 लाख रुपए तुमको एडवांस में पेमेंट दे देता हूँ. उनको पैसे दे देके 50 लाख रुपए वो. उसके बाद शी डज दैट प्ले. वो कुछ नहीं होता, बस आई वॉच ऐसे ही वो एक्टिंग करते हैं कि हम प्ले कर रहे हैं बोल के. उस प्ले के अंदर वो उनको मतलब इम्प्रेस करते हैं उनको. देन प्ले गोज फॉर अ टॉस. देन ये शी मूव्स इन विद दिस मैन एंड नाउ द स्ट्रगल ऑफ द फादर एंड द सन इज गोइंग ऑन. वो जो कि इसका भी है वो कोसा गाना है वो. अपने पिक्चर था ना वो राजा घरानी से प्यार हो गया, कौन सा पिक्चर है आमिर खान का, तो वो वाली भी एक उसमें एक ये लग रहा है. बट व्हाट आई वाज सेइंग, वो अगर बात आई तो मैं बोल रहा था वहाँ पे व्हाट वी आर बेसिकली टॉकिंग इज द परसेप्शन कि कैसे 80% जो कंटेंट बनाया है दुनिया में वो मेल पर्सपेक्टिव से बनाया है हर एक चीज़. तो बेसिकली चले गए थे बेसिकली. अभी क्या है कि इतना देख चुके हैं मेल पर्सपेक्टिव, तो फीमेल पर्सपेक्टिव के कंटेंट का मार्केट थोड़ा सा बड़ा है. पीपल वांट टू नो कि ये भी कैसे फील करते हैं. द बिगेस्ट थिंग इज गंगूबाई काठियावाला जो कि अब रिलीज होने वाला है संजय दत्त भंसाली की इंडिया में. इट गोना बी अ बिग फेस्टिवल फॉर इंडियंस. तो वो तब दिखा कि जिस तरह से उन्होंने दोलड़ा सॉन्ग में एक विमेन का एक पेन डांस में जो उन्होंने किया है, वो पेन उन्होंने कैप्चर किया है वहाँ पे. एक वुमेन का पेन जो कि तुमको करके, अरे यार ये तो मैं भी फील कर सकता हूँ. यू कैन फील अ मैंस पेन बट यू कैन नॉट फील अ वुमेन पेन. इट्स वेरी हार्ड टू फील दैट. कैसे फील था माँ की अलग बात है, लेकिन अगर जनरली अगर वुमेन की बात है तो यू डोंट नो हाउ दे फील, यू डोंट नो हाउ व्हाट हैपेंस टू देयर का ब्रेन, कैसा वर्क करता है, पर्सपेक्टिव नहीं होता. तो नाउ देयर इज अ बिगर मार्केट फॉर दैट. बट इस मार्केट को सही तरीके से यूटिलाइज करना इज गुड. बिकॉज जैसे कि इंडिया में जहाँ तक हमने देखे हैं, ऑल्ट बालाजी ने थोड़े से कॉन्टेंट बनाए थे इनिशियली जो कि फीमेल पर्सपेक्टिव से, वो बहुत ही खराब थे. बहुत ही विमेन को एक ऑब्जेक्टिफाई किया गया था, फैंटेसी था, बहुत खराब किया गया था उसमें. और विमेन पर्सपेक्टिव मतलब, हाँ दिस इज वन थिंग, विमेन पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो मोस्टली दुनिया में क्या होता है, बोल्डनेस, कि शी इज ओपन, दे डू ऑल अबाउट जो नॉनसेंस जो करते हैं वो. सी यू नो जिसम फरोशी की जो भी बात होती है वुमेन, इसके बारे में अगर बात करें तो जितने भी हम लोग फिल्में देखी हुई है, तो एक कॉमन टॉपिक जो होता है उसकी पसंद, उसके कपड़े,
यू नो अबाउट दिस रेप एंड ऑल दिस स्टफ, भाई हम लोग के जैसे भी कपड़े पहनेंगे तुम लोगों को अपना, यू नो दोस टाइप ऑफ स्टफ्स के ऊपर ज्यादा यू नो फिल्में या फिर यू नो चीजें बनी हैं जो ये अभी बन रहे हैं, जैसे कि हम लोग गंगूबाई बोल दें या फिर हम लोग ये अब ये पाकिस्तान सिनफे आहान बोल दें या फिर अभी ये बादशाह बेगम, दे आर वेरी डिफरेंट. इट्स अबाउट अ लाइफ, इट्स अबाउट स्ट्रगल, यू नो. ये देखने में शायद हम लोगों को ही मजा आएगा. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक द बेस्ट वुमेन कैरेक्टर विच आई हैव सीन माई होल लाइफ इज अर्थरूल में उनकी जो माँ का रोल किया था उन्होंने. जो वुमेन का बेस्ट वेल रिटन, कैसे तरह से वो सोचते हैं, हाउ शी मेक्स डिसीजंस. आई मस्ट से कि अर्थरूल में सारे वुमेन कैरेक्टर्स को बहुत ही यू नो हम लोगों ने जितने भी जहाँ पर जितने भी BTS आते हैं या फिर जितने भी स्टेटस आते हैं आप वगैरह आते हैं, वहाँ पर हमें अर्थरूल को या अर्थरूल के साथ ही या फिर उनके बेटे का अभी जो ओस्मान चल रहा है तो वहाँ पर उनके ज़्यादातर हमें स्टफ देखने को मिलते हैं. बट आई हैव सीन ऑल दस 5 सीजन ऑफ अर्थरूल. आई मस्ट कि फीमेल को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है उसमें. एग्जैक्टली. यू नो फ्रॉम व्हाट यू वो द कैरेक्टर यू सेड हाइमा, फ्रॉम दैट टू जो कि लास्ट के उसके जो बच्चों तक भी कैरेक्टर्स थे, वुमेन को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है. एंड आई थिंक दैट इज समथिंग जो कि वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह के ऊपर हम लोग देखना पसंद करेंगे, नॉट द स्टफ ये जो हम लोगों को दिखाया जाता है अबाउट दिस कपड़े, अबाउट दिस बिहेवियर, अबाउट दिस पसंद नापसंद. वी डोंट लाइक टू वॉच दैट टाइप ऑफ कंटेंट. वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाना है तो सही तरीके से दिखाओ. बट हाँ, देखो गंगूबाई का इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड स्क्रिप्ट की डिमांड थी. लेकिन इंडिया में ही बहुत सालों पहले एक मूवी बनी थी प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर, इट वॉज मार्केट बोल के, इफ यू रिमेंबर इट. इट वॉज इन विथ इन विच देयर वॉज ये थी उसमें क्या नाम है उनका, मनीषा कोइराला की मूवी आई थी वो. इट वॉज वेरी वेरी इट वॉज वेरी बैड मूवी. जो बैड मतलब उस जमाने में बहुत ही खराब दिखाया गया था उसको, इतना वुमेन की उतनी गंदी उसने दिखाई गई थी. एंड मोस्टली क्या होता है ना, लोग ऐसे मूवीज जब वुमेन को दिखाते हैं तो वो वॉन्टेडली वो देखने के लिए आते हैं कि वो किस तरह से होते हैं, उनको मजा आता है उसमें, दे ट्राई टू गेन प्लेजर उसमें भी. एंड द थिंग इज के ऐसे फिल्मों में जो मेकर्स भी होते हैं उसी तरीके को ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं, बिकॉज दे फील के जो कि लोग होंगे आएंगे प्लेजर के लिए. एग्जैक्टली. वो भी तो पहले से ही है. एज वी टोल्ड थोड़ी देर पहले कि 80% हमारी इंडिया की ऑडियंस मेन मेल पर्सपेक्टिव से देखा है. नहीं नहीं, 80% की ऑडियंस बहुत ही कम यू नो द विलेजर्स द वो उस तरीके वहाँ के लोगों को ये फिल्म एक प्लेजर के सर का ही प्रेजेंट कर रही थी. दे डोंट स्टे इन द टाउन एंड सिटी. और उनको कुछ सेंसिबिलिटी आती नहीं मूवी देख के, नहीं आती, वो मजा करते हैं, मजा मजा करके तो बनाए गए हैं. बट आई थिंक नाउ इट्स चेंजिंग. आई थिंक स्पेशली हमारी साउथ इंडस्ट्री भी अभी बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट कर रही है फिल्मों को. एंड इट्स अ ह्यूज मार्केट. ह्यूज मार्केट भाई. भी वही गंगूबाई काठियावाला का जब मैं ट्रेलर देखा मैंने बोला कि इतना बड़ा मार्केट एक्सप्लोर क्यों नहीं किया इससे पहले. एंड शी इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक एक विशांतरम की मूवी आई थी बहुत पहले, नवरंग बोल के. वो जमाने में वो वैसे जब वुमेन एक मूवी है, दो हाथें बारह, दो आंखें बारह हाथ बोल के, बहुत पुरानी विशांतराम की 1940s की मूवी थी वो. उस मूवी में जो कि एक लड़की का जो कैरेक्टर था वैसे के वैसे संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट को बनाया है वो. एंड दैट सेम पावरफुल कैरेक्टर, द कैरेक्टर विच वुड एक्चुअली सीटी मारो उसको देख के, सीटी मारने का मन करे ए ये, क्योंकि आज तक सीटी लड़कों ही पड़ी. हाँ हाँ हाँ, वही आजकल तो ऐसे भी कैरेक्टर्स को सीटी पढ़नी चाहिए. डिपेंड्स कि किस तरह से आप उसको ले जाते हो, ये तो पता नहीं है क्या एग्जैक्टली. बादशाह बेगम के बारे में अभी तो पता नहीं है. बट व्हाट आई एम सेइंग कि दिस वन एक्स अनएक्सप्लोर्ड फील्ड. बट आई थिंक इसके जो मैंने फर्स्ट थंबनेल देखा था बादशाह बेगम का, सो आई फेल्ट के वो थोड़ा टाइप ऑफ क्या बोलते हैं उसको, हिस्ट्री के ऊपर कुछ बेस्ड हो. मतलब मैंने दूसरे ये नहीं देखे थे, शी वाज वेयरिंग अ कॉस्ट्यूम एंड ऑल, इट आई वाज लुकिंग के कोई राजा महाराजा का इस तरीके की कहानी हो, बट इट वाज अ न्यू जनरेशन की कहानी एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. सो ओवरऑल या इट वाज अ गुड टीजर. एंड आई थिंक टीजर दिस वीडियो वाज मोर अबाउट, नॉट द टीजर, मोर अबाउट सम नॉलेज अबाउट थिंग्स व्हिच यू वुड से. क्योंकि टीजर के बारे में देख के उतना तो हम बात नहीं कर सकते. इट्स जस्ट व्हाटएवर जो हमको लगा वो, दैट्स व्हाई दिस फील्स नॉट स्क्रिप्टेड. व्हाटएवर वी से भाई पसंद आया तो देखो. सो या दिस वाज अ रिएक्शन ऑन बादशाह बेगम के टीजर्स. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट हम किस पर रिएक्ट करें. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट. यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं. दिस इज मोहम्मद शावीस, मोहम्मद इनायत साइनिंग ऑफ.